इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास के खात्मे का प्रण ले चुके इसराइल के लिए गाजा में बनी गहरी लंबी सुरंगें बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। बताया जाता है कि इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमास आतंकी इसराइल विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा दावा है कि इन्हीं सुरंगों में ही हमास आतंकियों ने इसराइली बंधकों को कैद करके रखा है। हमास ने इन सुरंगों में एक अलग तरह की दुनिया बसा रखी है। इन सुरंगों में हमास के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, जिनमें हथियारों से लेकर लड़ाकों के रहने के लिए हर सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में इजरायली सेना हमास की इन सुरंगों में छिपे आतंकियों के खिलाफ अपना खास हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। इस हथियार को स्पंज बम कहा जाता है, जो सुरंगों में छिपे हमास आतंकियों की जान ले लेगा। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की माने तो इजरायली सेना अपने नई सीक्रेट हथियार की टेस्टिंग कर रही है, जो सुरंगों के रास्ते को बंद करने के लिए फोम की मोटी परत बनाता है। बताते चले कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने गाजा में कई तरह की सुरंगें बना रखी हैं। कई सैकड़ों किलोमीटर लंबी है तो कोई 80 मीटर तक गहरी है। ऐसे में इजरायल अपने लेटेस्ट हथियार से इन सुरंगों को पूरी तरह तबाह और हमास की रणनीति चौपट करने जा रहा है। आइए जान लेते हैं इसकी खास बातें। स्पंज बम एक तरह का बम है। इसमें विस्फोट से कोई धमाका नहीं होता, लेकिन ये जहां फटता है वहां ढेर सारा झाग निकलता है, जो बाद में पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। यानी सुरंगों में इन बमों को फोड़ने से वो बंद हो जाएंगी। ना अंदर से कोई बाहर आ पाएगा और ना बाहर से कोई अंदर जा सकेगा। ये एक प्लास्टिक की बोरी में होता है। इसमें दो अलग अलग केमिकल होते हैं। इन केमिकल्स को एक रॉड से अलग रखा जाता है, जिसे हटाते ही केमिकल आपस में रिएक्ट करके एक झाग बनाता है, जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से फैलता है और सख्त होता चला जाता है। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि इसराइल ने हमास से निपटने के लिए और सुरंगों को बंद करने के लिए नया हथियार ढूंढ लिया है, जो अपने आप में पहला प्रयोग साबित हो सकता है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने स्पंज बम के इस्तेमाल पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है।